हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। अगर आप PGDM करना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस होने वाली है। इसकी जो जो फैसिलिटीज हैं, इनके जो जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट काफी अच्छी है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इनकी जो फीस है, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपका एडमिशन अगर नहीं हो पा रहा तो भी आपका एडमिशन कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। तो जरूर देखें ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम कहें बायोटेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। आपको अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के बारे में जानना है तो बाय मेट्रो भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, बाय बस भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो मतलब आपको ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1988 में जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड 1988 के अकॉर्डिंग काफ़ी साल अब इस इंस्टीट्यूट को हो गया, मैनेजमेंट फील्ड में अपनी पकड़ बनाए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ इसके कुछ एफिलिएशन के बारे में, तो देखो जो इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड है AICTE से, एंड इसको एफिलिएशन मिला हुआ है NBA से एंड BSIS यानी बिजनेस स्कूल ऑफ इंपैक्ट सिस्टम से, और बिजनेस स्कूल ऑफ इंपैक्ट सिस्टम यानी BSIS से भी। एंड इस इंस्टीट्यूट के कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर मैं बात करूँ इसके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कुछ कनेक्शंस यानी मेंबर्स के बारे में, एसोसिएशन टू एडवांस कोलिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, AACSB, ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑफ नेटवर्क, GBSN एंड AIU से भी इनके अच्छे खासे मतलब मेंबरशिप है। तो यार ये एक मतलब काफ़ी अच्छी और इसकी इस इंस्टीट्यूट की अच्छी बात है, ठीक है। काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है एंड ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश है काफ़ी टाइम से, तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन वाइज तो इंस्टीट्यूट काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसका कैंपस एरिया भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कमाल का है, लेश एंड ग्रीन एनवायरमेंट वाला इसका कैंपस है। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसकी कुछ रैंकिंग के बारे में। इट इज़ रैंक्ड 48th अंडर द मैनेजमेंट कैटेगरी बाय NIRF 2023। इट इज़ एग्रीगेटेड विद A+ ग्रेड बाय द NAC। इट हैज सेवरल accreditations एंड recognition for। तो ये था इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं इसके कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊं, तो देखो वैसे तो आप यहाँ से कई सारी स्पेशलाइजेशन HR, मार्केटिंग, मतलब जो भी फाइनेंस वगैरह सारी कर सकते हैं, बट इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आप अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस यहाँ से चूज करते हो तो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए फटाफट से बात करते हैं कि भैया क्या क्या प्रोसेस है इसकी फीस की। तो फीस अगर मैं बताऊं तो आपकी यहाँ पे अराउंड रहने वाली है 12-17 lakh के बीच। वो क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, PGDM में भी कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे PGDM, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस, PGDM में भी कई सारे पार्ट आ जाते हैं। तो PGDM की जो यहाँ फीस रहने वाली है वो है 14 lakh, एंड देन PGDM जो इंटरनेशनल है उसकी भी मतलब 14 lakh है। PGDM इन इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट की यहाँ पे 13 lakh फीस है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे जो अवेलेबल है, बट हम तो ऑब्वियसली PGDM के बारे में इन डिटेल बातें करेंगे। तो ये इसका कुछ फीस स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पे 50% से वो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, देन आपका जो कैट एग्जैक्ट GMAT के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम दे रखा या आपकी जो मार्क्स है वो नहीं आए हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आपका अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर कोई भी आपको परेशानी आ रही है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार जो स्क्रीन पे दिया नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं हमें, अपने मतलब जो भी आपका डाउट है करियर से रिलेटेड या फिर जेन्युइनली, ठीक है, तो सारे पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश एंड पूरी हिम्मत की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में कि भैया प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो ही एडमिशन लें। तो इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि इनका अभी तक का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो 23 lakh इनका मतलब अप्रोक्सीमेटली इस साल 2023 में हाइस्ट पैकेज अभी तक का गया है। एंड देन अगर मैं बात करूँ इसके एवरेज पैकेज की, तो 15 lakh एवरेज पैकेज ये बताते हैं कंपनी जो क्लेम सॉरी कॉलेज जो क्लेम करता है। तो अगर आप इसमें से थोड़ा थोड़ा भी कम कर दें तो आपके लिए एक इनफ पैकेज है, अच्छा है पैकेज एंड 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो कि एक सबसे मतलब अच्छी चीज़ है एंड सबसे बेस्ट चीज़ है। देन आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें इसकी कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में, तो देखो भैया फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप में भी कई सारी प्रकार, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर स्टेट डोमिसाइल वगैरह की, एंड लड़कियों के लिए अलग एक स्कॉलरशिप आती है, तो सारी मतलब इसमें स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको। वो आप जब आप एक बार मतलब कॉल करेंगे या फिर आप एक बार एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको सारी बता दी जाएंगी। देन अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पे आपको लोन की
अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप एक साथ फी पे नहीं कर सकते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज है। एंड ओवरऑल अगर आखिरी में बताऊं तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।